दोस्तों नमस्कार। आज इस वीडियो में हम देखेंगे 9.1.3 सॉफ्टवेयर वर्जन में किस तरीके से हम रियर कैमरा और रियर स्पीकर को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये बहुत इजी है, चेक करते हैं। ये देखिए, अभी फ्रंट और रियर वाला जो ऑप्शन है वो बंद है, केवल लेफ्ट और राइट ऑप्शन चालू है। इसके बाद डिस्प्ले सेक्शन में देखेंगे कि यहाँ पे रियर व्यू कैमरा ऑप्शन नहीं है, तो वो दोनों चीज़ें हमें लेके आनी है। हम चलते हैं सिस्टम वर्जन में और ये देखेंगे 9.1.3 सिस्टम वर्जन है। इसमें हम बहुत आसानी से रियर स्पीकर और रियर कैमरा को एक्टिवेट करेंगे। पेन ड्राइव के अंदर मैंने जो 4 फाइल डाउनलोड की हैं, जो पैकेज में मुझे मिली हैं, वो मैंने इसमें कॉपी कर ली हैं और अब मैं यहाँ इस पेन ड्राइव को लगा देता हूँ। ये कह रहा है नो मीडिया फाइल फाउंड, मैं ओके प्रेस कर देता हूँ और स्क्रीन के 5 टच जो मुझे करने हैं, 3, 4, 5, वो मैं ऐसे करता हूँ तो हमारा टेस्ट मोड खुल जाता है। और अब मैं इसमें जो फर्स्ट 4 पास की हैं उनको एंटर करता हूँ। फर्स्ट 4 पास की मैंने एंटर की और उसके बाद अब मैं ओके प्रेस कर रहा हूँ। कई बार आपको ये बोलेगा कि ये पास की गलत है, आप दोबारा से ट्राई करेंगे। तो फर्स्ट पास की मैंने इसमें एंटर की है, अभी मैं एक बार ओके प्रेस करूंगा और इस प्रेस की पास की को मैं वापस से इरेज कर दूंगा। अब मैं इसमें दूसरी जो 4 अंकों की पास की है उसको इसमें एंटर करूंगा। मैंने इसमें दूसरी 4 अंकों की पास की को एंटर कर दिया है और अब मैं ओके प्रेस कर रहा हूँ। ओके प्रेस करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे माइक होम टेस्ट लिखा हुआ है, हम यहाँ पे एंट्री करेंगे और यहाँ आप देखेंगे नीचे SPKR ऑफ, इसे हम एक बार प्रेस करेंगे तो ये SPKR ऑन में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके पास में ही यहाँ पे RVC ऑफ लिखा हुआ है, तो जैसे ही हम इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो ये RVC में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना करने के बाद हमें DSI कॉन्फिगर को प्रेस करना है और एक बार प्रेस करके छोड़ देना है, वेट करना है। सिस्टम 15 से 20 सेकंड के अंदर अपने आप ही बंद हो जाएगा और फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है आपके रियर स्पीकर और रियर कैमरा सिस्टम के अंदर एक्टिवेट हो चुके हैं। हम वेट कर लेते हैं। ये सिस्टम अपने आप बंद हो गया है और अब स्टार्ट हो रहा है। सिस्टम दोबारा से स्टार्ट हो गया है। तो अब हम सेटिंग में जाके चेक कर लेते हैं कि हमारा जो टास्क है वो कंप्लीट हुआ कि नहीं। बैलेंस फेलियर में जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप देखेंगे पहले ये फ्रंट और रियर एरो यहाँ पे नहीं था और ये अभी आ गया है, जिसका मतलब है हमारे रियर स्पीकर्स में आवाज़ आ चुकी है। अभी डिस्प्ले में चलते हैं
और यहाँ पे भी हमें रियर व्यू कैमरा का ऑप्शन मिल गया है। ये देखिए, यहाँ से हम सीधा रियर व्यू कैमरा को ऑफ और ऑन भी कर सकते हैं। फिर से हम जा करके वर्जन चेक करते हैं तो हमारा वर्जन 9.1.3 था और वही अभी भी है। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने मात्र 5 मिनट के अंदर अपने रियर स्पीकर और रियर कैमरा की फैसिलिटी को मीडिया नेविगेशन के अंदर एक्टिवेट कर लिया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।